हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निट एंड नॉट बाय सिमरन। और आज हम बनाएंगे, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत से ईयर रिंग जो कि हमने क्रोशिए से बनाए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि देखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बनाने में ये उतने ही ज़्यादा आसान है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, ये मैंने वाइट कलर से बनाए हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये ईयर रिंग बनाना सिखाऊंगी ब्लैक कलर से। तो देखिए, ये हमें कॉटन थ्रेड लेना है। हमें कॉटन थ्रेड पतला है तो इसके लिए क्रोशिया भी हमें पतला ही चाहिए। ये देखिए, क्रोशिया हमने लिया है 1.0 mm का, एक कटर या सीजर, ये देखिए ये हमने ली है जरकन, और हमें चाहिए फैब्रिक ग्लू, और चाहिए हमें ये रिंग। रिंग मैंने गोल्डन लिया है, आप चाहें तो सिल्वर भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरफ से हम इसे बना रहे हैं, दूसरा वाला ईयर रिंग उसके ऑपोजिट साइड से बनेगा। देखिए, जैसे पहला हम ये जो छोटी तरफ है, लॉक है, इधर से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब दूसरा ईयर रिंग बनाएंगे तो हम इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लेंगे। ये देखिए, स्लिप नॉट लेने के बाद इस तरह से नीचे से क्रोशिया निकाल कर, ये देखिए, ये हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और इस धागे को इस तरह से पकड़ के अटैच करते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने इस रिंग को सिंगल क्रोशिया से पूरा ही भरना है, हाफ भरना है, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा और फुल से थोड़ा सा कम भरना है। देखिए, ये वाला जो वाइट कलर का ईयर रिंग है, ये मैंने फुल भरा है, देखिए, सिंगल क्रोशिया से। लेकिन जो ये वाला है, ये देखिए, हमें बनाने के बाद ये इस तरह से करना पड़ेगा, तो मैं इतना गैप दोनों तरफ से रखूँगी। 8-10 सिंगल क्रोशिया डालने के बाद हमें इसे देखना है, क्योंकि ये आपस में जुड़ता जाएगा। थोड़ा सा हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसे बार बार देखना है। ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से बनता जाएगा, और मैं इसे इधर ही रख कर नापूंगी, और जो आगे बनता जाएगा तो पता चलता जाएगा कितना बनाना है। तो मैं इसे जहाँ इतना गैप छोड़ा है, इतना ही मैं यहाँ पर छोड़ूंगी, और इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया, दोनों तरफ एक जैसे मैंने गैप छोड़े हैं। जो वाइट वाला ईयर रिंग है वो मैंने यहाँ से ही यहाँ तक बनाया था ऊपर तक, लेकिन इनमें मैंने गैप छोड़ा है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब सेकंड राउंड के लिए हमें क्या करना है, देखिए, एक चेन लेंगे, इसे टर्न करेंगे, और इसके बाद देखिए हर चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है। जितने भी हमने ये सिंगल क्रोशिया इस रिंग में डाले हैं, उतने ही सिंगल क्रोशिया हमें दोबारा से हर चेन में डालने हैं। तो देखिए, ये हमारा सेकंड राउंड है। हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया डालते हुए हम हमारे इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये हम हमारे सेकंड राउंड के एंड में पहुंच गए हैं। देखिए, लास्ट वाली चेन में भी मैंने सिंगल क्रोशिया किया, इसे ख़त्म कर दिया, और अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड और लास्ट राउंड की तरफ। ये देखिए, टर्न किया एक चेन बनाकर, ये देखिए, पहली चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया,
दूसरी चेन में भी सिंगल क्रोशिया, तीसरी में भी सिंगल क्रोशिया, ऐसे टोटल 6 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। 4, 5 और ये 6। देखिए 6 हमने सिंगल क्रोशिया के स्टिच लिए इसमें। ये देखिए 7वीं चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये देखिए 7वीं चेन में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। जस्ट इसके 7वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाली में 5 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5। फिर बिल्कुल 7वाली में एक सिंगल क्रोशिया इसे अटैच करने के लिए, फिर एक चेन छोड़ के 5 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5। फिर 7वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया इसे अटैच करने के लिए, फिर एक चेन छोड़ के 5 डबल क्रोशिया। देखिए जब 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसके 7वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया लेके इसे अटैच करेंगे, फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक चेन छोड़कर बनाएंगे। ये देखिए ये 5 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसे अटैच करना है तो बिल्कुल 7वाली चेन में हम इसे अटैच करेंगे। अब दोबारा से 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं तो इसके लिए हम एक चेन छोड़ के 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम हमारे इस राउंड को भी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे यहाँ से हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने ये बनाना स्टार्ट किया था, ऐसे यहाँ पर भी हमने लास्ट में 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। और ये जो धागा है इसको हम बाद में फैब्रिक ग्लू से हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो चलिए अब इसे डेकोरेट किस तरह से करना है ये हम देख लेते हैं। देखिए मैंने इधर से, ये देखिए ये जो ये वाला पार्ट है, इधर से ये मैंने नाप कर, ये मैंने ज़रकन की ये लंबाई को कट कर लिया है, आप भी नाप लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमने फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए इधर तक आना है। फैब्रिक ग्लू ना हमें बहुत ज़्यादा लगानी है ना ही हमें बहुत कम लगानी है। तो चलिए ये इस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहले हम इसे पेस्ट कर देते हैं। बहुत धीरे धीरे से हम इसे ग्लू के ऊपर रखेंगे सीधी करते हुए। देखिए रखने के बाद हम इसे किसी भी क्रोशिए या फिर और किसी स्टिक की हेल्प से हम इसे शेप देंगे। देख लीजिए ग्लू के हम ऊपर हमने इसे रख लिया है। अब इसे अच्छे से हम राउंड शेप देंगे। और तकरीबन 20-25 मिनट हम इसे सूखने देंगे। जो ये वाला पार्ट हमने डेकोरेट करना है इसके लिए मैंने 6-6 बॉक्स जरकन के कट कर लिए हैं सीज़र से, क्योंकि एक ही बार में हम इसे लगाएंगे तो ये राउंड शेप नहीं लेगा। तो इसीलिए ये देखिए ये इस तरह से
छः बॉक्स, ये देखिए जरकन के मैंने कट कर लिए हैं। तो इसके सूखने के बाद देखिए ये जो भी राउंड शेप है, देखिए जहाँ पर हमने 6 सिंगल क्रोशिया किए थे वहाँ से नहीं, जहाँ से ये राउंड स्टार्ट हो रहे हैं उसके बाद से हमें देखिए एक एक करके हर राउंड पर हमने ये जो 6 बॉक्सेस हमने कट किए हैं हमें इन्हें बहुत अच्छे से यहाँ पर पेस्ट करना है। थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है क्योंकि ये बहुत छोटा साइज़ है इन जरकन के बॉक्सेस का, तो हमें शेप देते हुए ये देखिए ये जिस तरह से मैंने ये एक रख लिया, इसके बाद इधर से ही हम दूसरा राउंड भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए ग्लू से शेप देंगे और इस जरकन को हम यहाँ पर रख कर इसे भी हम राउंड शेप देंगे। ये देखिए ये इस तरह से देखिए करते हुए हम इस सारे राउंड को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जरकन को इस पे राउंड शेप में हमने लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये इयर रिंग। अगर हम इसे बनाना सीख जाते हैं तो हम अपनी हर ड्रेस के साथ हर कलर में हम इसे बना सकते हैं। तो ये इयर रिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।